जी uh, कुछ स्टूडेंट्स की इश्यूज uh, थे कुछ जेनविन थे कुछ इनको लगता था जैनविन है तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं बट वी हैव टॉक टू देम एंड जैसे कि हम पहले भी इनसे बात करते हैं कुछ इश्यूज होते हैं जिनमें टाइम लगता है तो हमने इनसे बात की एंड वी हैव कम टू नो जो इनके इश्यूज हैं हमने इनसे अच्छे से बात की है इनके सारे इशूज सुने हैं एंड वील मेक श्योर कि इनके इशूज सारे रिजॉल्व हों ऑबियसली ये हमारे बच्चे हैं हमारा जो स्टूडेंट होता है वो हमारे बच्चे की तरह होता है ज्यादा इश्यूज जो है देखिए कुछ इश्यूज हैं जैसे इनका सिक्योरिटी है आजकल कल यहाँ पे लेपर्ड अटैक्स हो रहे हैं ये इनका ये भी इशू है कभी कभी पावर फेलियर हो जाता है हमारा जो ये पावर सिस्टम है उसमें भी अब पिछले दिनों जो फ्लड आया है उसकी वजह से लाइन चेंज हुई है पीछे से हमें कुछ इशूज है वो इशूज हैं इनके जेनविन इशूज है ऑब्वियसली सिक्योरिटी होनी चाहिए इसमें जो इनका हॉस्टल का एरिया है वो सिक्योर होना चाहिए दे शुड फील सिक्योर लड़के भी लड़कियां भी सब तो विल मेक श्योर कि इनका लिंक कुछ इश्यूज हैं जैसे अब लेपर्ड अटैक है हाथ में तो है नहीं सांप निकलना बट हाँ हम आसपास जो है उसको झाड़ियों को जो है साफ रख सकते हैं इनसे भी हमने इनको भी बताया कि रात को वेंचर ना करें बाहर एरिया थोड़ा सा है ऐसा फॉरेस्ट वाले भी इनको बार बार बोलते हैं कि रात को नहीं जाना है दे देर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल जेनविन इशूज तो जेनविन होते हैं कुछ इशूज होते हैं जो एक दिन में सॉल्व होने वाले हैं जैसे इनने बताया कि हमारा मेस के कुछ इशूज हैं वो तो बड़े इशूज नहीं है उनमें तो ये है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की होनी चाहिए द द एंड ऑफ डे स्टूडेंट्स ने वो खाना खाना है यूजुअली तो पहले भी हमने इनके साथ कमिटीज बनाई हैं लेकिन हमने अब ये भी आगे डिसाइड किया है जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रिंसिपल कि इनके साथ कमिटी एक होगी जो जिसमें तीन चार स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो फ्रिक्वेंटली उस मैथ में खाना खाएंगे मेक sure श्योर उसकी क्वालिटी जो है कंट्रोल में रहे उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड ना हो और दैट्स अ जेन्युइन इशू अब जैसे अगर पानी है पानी क्योंकि हमारा जो सप्लाई है पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको पता है कि थोड़ा सा फ्लड आता है पानी का सप्लाई डिसरप्ट हो जाता है मडी वाटर आता है वो है हमारे जो आर ओ जा, बहुत ज्यादा ज्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं बट वो इश्यूज हमें टैकल करने हैं और करते रहेंगे वो इश्यूज इनके भी जेन्युइन है और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एसोसिएटेड हॉस्पिटल है जहां इनके क्लिनिकल क्लासेस होती है वो यहाँ से दूर है कुछ किलोमीटर पे आपको पता ही है वो तो सिटी में है तो इनके पास पहले ही अभी भी थी तीन बसेस हैं तो उनका जो प्रोविजन है इनका था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कभी कभी वो एक बस में पूरे नहीं आ पाते हैं दूसरी बस को वापस आने में टाइम लगता है क्लिनिक्स में लेट होते हैं तो वो तो इश्यूज चलते रहेंगे वो तो प्रिक्योरमेंट की बात है कि नई बस का प्रोविजन कब बनेगा वो इशूज सॉल्व होते रहते हैं इनके इश्यूज थे अटेंडेंस के आपने देखा होगा आपके सामने मैं इनसे बात कर रहा था ये लोग भी क्लासेस में हॉस्टल से कितनी परसेंट आते हैं क्यों मिस करते हैं क्लासेस तो वो भी मैं इनसे पता कर रहा था क्या प्रॉब्लम्स है हो सकता है कुछ इश्यूज जो हम सॉल्व करें और ये इनकी अटेंडेंस भी बढ़े तो इनकी इनको भी हम बार बार गाइड करते हैं कि आपका जो करिकुलम है वो फॉलो करें बाकी जो यहाँ के इश्यूज हैं वो बेशक हमारी तरफ से डिसाइड हुआ है आपके सामने सब कुछ हुआ है और इनके साथ कमिटी भी बनेगी जो मैस की अलग से कमेटी बनी भी है बट उसको शायद स्ट्रेंथन और करने की जरूरत है ताकि मेस के इशूजिटी है, इशूज हैं अब जैसे अब लेपर्ड है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते बट ऑब्वियसली विल ट्राई बेस्ट टू मेक दिस प्लेस सेफर एंड इनके लिए ये इन जो यहां पे रहने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहे सेफ रहे वो सेफ इन्वायरमेंट पढ़े और अच्छे डॉक्टर बने